नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं सिद्धार्थ लाइव परिवार है। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूँ अपना मास्टर्स फ्रॉम NIT त्रिची। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं PhD के अंदर, तो अलग अलग जो एडमिशन प्रोसेसेस होंगे बहुत सारे IITs के, NITs के, तो क्या डिफरेंसेस रहते हैं, क्या रिटर्न होता है, क्या इंटरव्यू होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारे साथ भैया हैं, भैया ने ऑलमोस्ट हर IIT का रिटर्न इंटरव्यू दिया है और बहुत सारे IITs का और NITs का क्लियर भी किया है। तो भैया से ज्यादा बेस्ट कौन बता सकता है कि IITs में एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखे हैं क्योंकि बहुत सारे मुझे याद भी नहीं रहते भैया, ठीक है। तो मैं आपसे पेपर से ही पूछता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग साइड से आते हैं लाइक बीटेक एमटेक करके, और बहुत सारे बच्चे आते हैं साइंस साइड से लाइक BSc MSc करके। तो सबसे पहले भैया मैं आपसे जानना चाहूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि मिनिमम क्या परसेंट चाहिए, गेट मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो आप इसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए। पहले इंजीनियरिंग के बारे में बताइए। इंजीनियरिंग के बारे में बताना है तो जैसे मान लो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपको PhD करनी है, तो मेन चीज़ है कि आपको आपके पास UG डिग्री होनी चाहिए, BTech डिग्री, फिर MTech डिग्री होनी चाहिए। और ध्यान रखिए कि BTech और MTech दोनों डिग्री एक ब्रांच में या एक स्पेशलाइजेशन में होनी चाहिए, तो भी आपका वो PhD में जो रिसर्च आप शुरू करेगा तभी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा कोई स्पेशलाइजेशन के ऊपर काम करना। तो BTech डिग्री होनी चाहिए, MTech डिग्री होनी चाहिए, आपके पास गेट भी होनी चाहिए। गेट मैंडेटरी नहीं है हर जगह में, बट आपके पास गेट है तो एक एक्स्ट्रा आपके पास वो तो गेट भी होनी चाहिए तभी आपका वो एडमिशन हो सकता है। और ये मान के चलिए कि आपके पास जो BTech MTech डिग्री आपने की है, मिनिमम आपके जो CGPA है या जो परसेंटेज जो भी 60% के ऊपर होनी चाहिए, तो अभी आप हर IIT एंड NIT के जो एंट्रेंस एग्जाम आप शॉर्टलिस्ट हो सकते। तो भैया इसमें मतलब BTech के साथ BE भी मचल सकता है ना, और MTech के साथ ME? हाँ, BTech BE एंड MTech ME इज इक्वल। और अगर जैसे किसी बंदे ने जैसे मैं ही ले लेता हूँ, तो मैंने मैकेनिकल में अपना BTech किया है और MTech में कर रहा हूँ मटेरियल साइंस में, तो क्या मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होगी PhD के लिए? नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका BTech एंड MTech दोनों एक एरिया में आपने काम किए तो PhD के लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा रिसर्च करने के लिए। ऐसे करते हैं जैसे बंदे इलेक्ट्रॉनिक्स में वो MTech करते हैं लेकिन PhD करते हैं कंप्यूटर साइंस में, होता है, बट दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। दोनों एक साथ होने से आपको मतलब रिसर्च आपका सही टाइम पे चलेगा। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं साइंस वालों के लिए, तो इंजीनियरिंग के लिए होगी तो गेट मार्क्स चाहिए, MTech चाहिए, फिर हम साइंस की बात करते हैं, साइंस वालों को क्या चाहिए IITs या NITs में एडमिशन के लिए? जैसे मैंने अभी भी बोला कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए वो गेट मैंडेटरी नहीं है, बट साइंस बैकग्राउंड के लिए गेट मैंडेटरी। तो साइंस का कोई PhD करना चाहता है साइंस बैकग्राउंड का कोई, तो वो UG करना चाहिए अंडर ग्रेजुएट, फिर PG जैसे आपको MPhil हो या नहीं तो आपका पास जो MSc डिग्री हो तो करना चाहिए। इसके साथ साथ आप कोई भी एंट्रेंस लेवल एग्जाम लाइक UGCNET, CSIR या गेट कोई भी आपको क्रैक करना पड़ेगा, तो अभी जाके आप PhD कोई भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो। या एडमिशन लेने से नहीं कर सकता हूँ, आप कहीं भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट के लिए वो रिटन टेस्ट इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं भैया कि ये जो UGCNET वगैरह होते हैं या गेट वगैरह होते हैं, तो इनके कितना मार्क्स चाहिए? जैसे लोग तो बहुत ज्यादा गेट मार्क्स लेकर आते हैं, तो हमें कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए? देखो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए गेट मैंडेटरी नहीं, एंड जस्ट क्वालिफाई इज मोर देन एनफ। MTech डिग्री आपके पास है, मान लो कहीं कहीं IIT NIT डायरेक्ट PhD प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोग के लिए वो गेट की स्कोर एंड गेट की परसेंटेज वो मैटर करता है, लेकिन आपके पास MTech डिग्री है, मतलब PG डिग्री है आपके पास, तो आपके लिए वो जस्ट क्वालिफाई मोर देन क्वालिफाई, UGCNET भी जस्ट क्वालिफाई होना चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हमें एक ऑर्डर देना है अप्लाई करने के लिए, अगर IITs में जैसे IITs हैं, NITs हैं, IIITs हैं, और हमें एक ऑर्डर रखना है कि मिनिमम हम किस में पहले अप्लाई करें फिर किस में अप्लाई करें, तो हम क्या ऑर्डर रख सकते हैं? ये तो बोलना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो कहीं बता सकता हूँ मैं, साइंस बैकग्राउंड का मेरे लिए थोड़ा दिक्कत होगा बताना भैया। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आप देखेंगे तो आपका NIRF रैंक रैंकिंग हिसाब से जाइए, जो भी मतलब रिसर्च के हिसाब से जाइए, तो पहले IIT बैंगलोर आते हैं। IIT बैंगलोर ऑब्वियस, मैं NIT टीचर में पढ़ रहा हूँ तो ऑब्वियस मैं NIT टीचर को प्रेफरेंस फर्स्ट ही दूंगा, लेकिन बट ऑन द सीरियस नोट आप IIT बैंगलोर
कंट्रोल कर सकते हैं जी। इसके बाद आप आईआईटी मद्रास दे सकते हैं, आईआईटी मद्रास, फिर जो 5-6 ओल्ड आईआईटी है जैसे आईआईटी कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी रुड़की हो गया, तो 5-6 जो ओल्ड आईआईटी के बाद आप एनआईटी को प्रीफर कर सकते हैं। इसके बाद आप जो नया आईआईटी है, मान के चलो आईआईटी भुवनेश्वर है, आईएसएम धनबाद है, या आईआईटी बीएचयू है, सेकंड जनरेशन आई, आईएसएम धनबाद नॉट सेकंड जनरेशन, पुरानी हिल, अभी अभी आईएसएम था, अभी आईआईटी बन गया है, लाइक बट एनआईटी के बाद आप प्रेफर कर सकते हैं। एनआईटी त्रिची के बाद आप पता होगा, एनआईटी त्रिची में काफी अच्छी फैसिलिटीज, तभी उसकी रैंकिंग भी 9th है। हां ऑब्वियस, जो ओल्ड 8 आईआईटी है उसके बाद ही एनआईटी त्रिची आता है। नहीं, ये तो मैंने भी फील किया कि एनआईटी त्रिची में रिसर्च भी बहुत अच्छा होता है, और इकलौता शायद एनआईटी जहां पे पीएमआरएफबी है। खुद ही तो आईआईटी इंदौर से आए हो, तभी अच्छा लगा, तभी तो आए हो। हां, और प्लेसमेंट्स के तो एमटेक वाले प्लेसमेंट्स के लिए तो एनआईटी त्रिची का नाम ही बहुत है। उसके बाद भैया एक अलग क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे आईआईटीज में रिटन इंटरव्यूज होते हैं, तो आईआईटीज के इंटरव्यूज और एनआईटीज के इंटरव्यू, मतलब रिटन इंटरव्यू का थोड़ा प्रोसेस बताइए कि मतलब कहां किस टाइप का रिटन होता है, इंटरव्यू होता है। देखो ऑलमोस्ट आईआईटी एनआईटी का रिटन टेस्ट इंटरव्यू पीएससी के लिए ऑलमोस्ट सेम ही होता है। 2-3 आईआईटी है जहाँ थोड़ा सा मतलब डिफरेंट होता है। जैसे मान के चलो मैंने आईआईटी बॉम्बे का बात कर रहा हूँ, आईआईटी बॉम्बे में जो पीएचडी के लिए जो होता है रिटन टेस्ट, सब्जेक्टिव होता है, लेकिन अब दूसरे आईआईटी जो है वो ऑब्जेक्टिव लेते हैं, जैसे आपका गेट का सिलेबस जो भी है, तो वही करके वो ऑब्जेक्टिव लेते हैं अपना। वो बहुत सारे आईआईटी में तो ये ऑब्जेक्टिव जो होता है, तो इसमें क्या एप्टीट्यूड वगैरह भी आता है, मैथ्स आता है क्या? नहीं देखो, वो डिपेंड करता है मतलब वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप आईआईटी गुवाहाटी का बात करें, 2017 में दिया था मैंने आईआईटी गुवाहाटी में क्या होता है, 50% वो एप्टीट्यूड रीजनिंग करता है, और 50% अपना जो गेट का मार्क्स रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट एरिया, वो गेट एरिया वो रहता है। और ये भी आईआईटी बीएचयू का बात करें तो सारे टेक्निकल ही रहता है अपना, जो गेट के सिलेबस है आपका, तो मतलब ये आईआईटी टू आईआईटी वेरी कर सकता है कि रिटर्न कैसा होने वाला है, बस जब आए आपके पास सिलेबस तो आप उसी सिलेबस के हिसाब से फॉलो करो। चलो भैया एनआईटी की बात करते हैं कि एनआईटी में क्या क्या, एनआईटी देखो एनआईटी के तो मैं बस एनआईटी त्रिची के मैंने अभी तक रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू दिया, कि मैं और कहीं एनआईटी अप्लाई नहीं करा। एनआईटी त्रिची के तो आप रिटर्न टेस्ट रहता है, पार्ट ए पार्ट बी रहता है, दो पार्ट ए में आपका रहता है मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड रहता है पार्ट टाइम, ठीक है, सम 20 क्वेश्चन देते हैं, 20 क्वेश्चन देते हैं, फिर पार्ट बी में आपका जो रिलेटेड सब्जेक्ट है वो पार्ट बी रहता है, ठीक है। आपको क्या करना है, पार्ट ए पार्ट बी दोनों जैसे रिसर्च एरिया, जैसे तुम कोई आईआईटी फॉर्म फिलअप कर रहे हो या कोई एनआईटी फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने का टाइम में वो एक कॉलम रहता है रिसर्च एरिया फुलफिल करने का, तो कॉलम में तुम क्या जो भी तुम्हें एक 3 पेज या 2 पेज का 1,000 या 500 वर्ड में तुम्हें लिखना पड़ेगा कि तुम क्या करना चाहते हो आफ्टर एमटेक, मतलब तुम्हारा एरिया है और तुम पीएचडी में तुम क्या करना, मतलब फ्यूचर स्कोप टाइप, बिल्कुल तुम क्या करना चाहते हो, तो एरिया सारे चीज डिटेल्स लिख के आपको अपलोड करना है, ताकि जब इंटरव्यू रहेगा ना, तो जो इंटरव्यू पैनल में रहेंगे तो उनके पास पूरा एकदम परफेक्ट नॉलेज रहेगा कि आप क्या करना चाहते हो एग्जैक्टली, तो थोड़ा सा काफी इंप्रेस भी रहता है इंटरव्यू के टाइम में, आप परफेक्ट लिखे होंगे तो आपका रिसर्च एरिया, बिल्कुल। तो और जनरली जो इंटरव्यूज होते हैं पीएचडी के कितने होते हैं, एक होता है या दो होते हैं? नहीं, अभी तक मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि रिटेन के बाद एक ही इंटरव्यू होता है, दूसरा इंटरव्यू कभी कभी ये होता है। आईआईटी कानपुर में लास्ट टाइम मैंने लिया था, रिटेन टेस्ट हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, और एक लैब सेशन जस्ट एक 5-10 मिनट के, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड में हूँ तो वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर और आना कोई चैम्बर, थोड़ा सा लैब सेशन का थोड़ा 4-5 मिनट का वो प्रैक्टिस था बस, ज़्यादा कुछ। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, भैया ऑलरेडी आईआईटी बॉम्बे आईआईटी गुवाहाटी में भी सिलेक्टेड थे, ठीक है, बट भैया ने एनआईटी त्रिची को प्रेफरेंस दिया। आप सबका अपना अपना अलग प्रेफरेंस होता है, कोई किसी को जज नहीं कर सकता है कि उन्होंने क्यों प्रेफरेंस दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर किए, ठीक है। और भैया क्या रिटर्न इंटरव्यू का कुछ वेटेज रहता है, कि रिटर्न का कितना वेटेज रहता है, इंटरव्यू का कितना वेटेज रहता है, या एसओपी का क्या वेटेज रहता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप रिटर्न क्वालिफाई कर लिए, इंटरव्यू में अच्छा कर लिए,
तो बस उतना काफी है आपको एंटर होने के लिए कोई एनआईटी आईआईटी। तो पार्ट टाइम पीएचडी होता है, पार्ट टाइम पीएचडी के टाइम पे भी कोई रिटन इंटरव्यू होता है क्या? हां, रिटन इंटरव्यू सबके लिए मैंडेटरी है। अच्छा, तो उसकी कुछ वैकेंसी होंगी पार्ट टाइम इतने लोग आ सकते हैं? ये चीज है कि हां सबके लिए मैंडेटरी है, बट पार्ट टाइम के लिए जैसे हम लोगों के लिए थोड़ा कटअप रहता है कि मान के चलो 50 है, 15 नंबर लाना है, 20 नंबर लाना, हम फुल टाइम के लिए कटअप रहता है, पार्ट टाइम में थोड़ा सा वो कम रहता है। तो आशा करता हूँ हम लोगों ने यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस के बारे में और आपको बताया होगा कॉलेज रैंकिंग कैसे प्रेफर कर सकते हो, तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी इसके अलावा जो भी आपके पास डाउट होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको क्लियर कर देंगे। और इसके साथ साथ आप भैया की प्रोफाइल में भी जा सकते हैं, मैंने सारी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, तो भैया से जाइए, भैया से डाउट पूछिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, कहाँ अप्लाई करने वाले हैं, तो भैया आपको बेटर आपको इस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। भैया ने ऑलमोस्ट हर आईआईटी और एनआईटी में, सिर्फ एनआईटी त्रिची में भैया ने ऑलरेडी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह दिए हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग का आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको बस एक काम करना होता है, लाइक करना होता है, वीडियो को शेयर करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। भैया से भी जाओ, भैया से पूछो, जो भी डाउट है अपने क्लियर करो, और हमें भी बताओ यार, हम भी आपसे सीखेंगे, और कोई बहुत सारे डाउट जो आएंगे हम भी जानेंगे, ठीक है? हम भी भैया से सीख रहे हैं, भैया के गाइडेंस में चल रहा हूँ, ठीक है? तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार।